आज पीथमपुरा में निगम पार्षद अंजू जैन के सामाजिक प्रयासों द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम पार्क में छतरी का नामकरण किया गया। इस प्रोग्राम में महापौर जयप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि छतरी का नामकरण श्री राधे श्याम गोयल जी के नाम पर किया गया, जिसमें उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा। इसी कड़ी में कंबल वितरण भी किया गया। बताया जा रहा है कि इन दो छतरियों के निर्माण में लगभग 18 लाख की लागत आई है, जब हमारी संवाददाता प्रिया तिवारी ने 13,000 करोड़ रुपए वाले मुद्दे पर महापौर से जानने की कोशिश की तो देखिए जेपी ने क्या कहा। आइए आपको दिखाते हैं। सर, आज के प्रोग्राम जो ये चल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, आज हमारे इस जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जो पार्क है, जिसको हम रख रखाव का काम हमारा है, जिसकी सौंदर्यकरण का काम हमारा है, इसमें दो छतरी बनाई गई हैं जिसका आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिनका नामकरण किया जा रहा है राधेश्याम गोयल जी। हमारे दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली शहर के एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़कर सहयोग किया है और आज उनका परिवार भी इस काम को आगे बढ़ा रहा है। जब ये प्रस्ताव यहाँ की निगम पार्षद मेरे पास लेकर आई कि उन्होंने अपने पैसे से यहाँ दो छतरी बनाई है, उनका नामकरण करना है, तो उस फाइल को मैंने एक घंटे के अंदर उस फाइल को पास किया। और ऐसे कार्यक्रम और ऐसे कार्य हमको प्रेरणा देते हैं कि सब लोगों की सहभागिता से हम शहर को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, कैसे स्वच्छ बना सकते हैं और कैसे सौंदर्यकरण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आज जब भी हम इन छतरी को देखेंगे तो राधे श्याम जी गोयल जी द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमारे जहन में आएंगे और समाज को ठीक करने में, आगे बढ़ाने में हम भी अपना सहयोग कर पाएंगे। आज जो स्वर्गीय राधे श्याम गोयल जी जो समाज सेवी थे, उनकी याद में निगम नगर निगम और उनके परिवार के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ है और इसके बाद के लिए मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी याद में छतरी बनाई गई और यहां गरीब लोगों को कंबल वितरण किया गया। ऐसे सामाजिक काम होते रहने चाहिए, समाज में ऐसे काम करने से लोगों से जुड़ाव होता है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी और जो उनका परिवार है, मिलकर ये सामाजिक काम कर रहे हैं। सामाजिक काम करने के लिए यहाँ की जो निगम पार्षद हैं अंजू जैन भी बधाई की पात्र हैं। BDFD के पार्क में जो एक, जिसे कह देंगे एक सामाजिक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये सामाजिक प्रयास है और जिसमें हमारे राधे श्याम जी मरुथल परिवार के द्वारा जी, उनके बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर छतरी का निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी लागत लगभग 18 लाख रुपए आई है, कि मैं मानती हूँ कि एक समाज में एक मिसाल है जी। आज इन्हीं की प्रेरणा लेकर मैं जब इस पार्क में आई तो पवन जी हैं यहाँ पे, इनका ग्रुप है, उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे भी दो गेट मुझे समर्पित कर दिए। देखिए, किसी चीज़ अच्छी चीज़ की जब शुरुआत होती है ना तो लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा मरुथल परिवार वालों के द्वारा राधे श्याम जी की स्मृति में जो छतरी का निर्माण कार्य हुआ, हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम आप देख सकते हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से फंड की कमी के कारण जूझ रही है, पर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो समाज का योगदान जो हमें मिला, जो मरुथल परिवार राधे श्याम जी का मिला, उन्हीं के माध्यम से मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो इस पार्क को, जिसे कह दें कि मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में तो ऐसा कोई पार्क नहीं होगा जो BDFD का पार्क हो, और ऐसी छतरी भी कहीं नहीं होगी जो मरुथल परिवार द्वारा बनाई गई है। आज का जो कार्यक्रम है राधे श्याम जी गोयल मरुथल वाले, ये एक बहुत बड़े समाजसेवी, बहुत बड़े दानवीर, मतलब हम इनको भामाशाह कहते थे। आदर्श नगर कहो, प्रीतमपुरा कहो, या पूरी दिल्ली में कहीं से कोई भी कहीं जरूरत की हुई तो राधे श्याम जी उसके लिए 24 घंटे हाजिर रहे। तो ऐसा एक व्यक्ति तो आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के साथ साथ आज ये ध्यान में आया कि इतना सुंदर पार्क है और यहाँ राधे श्याम जी अक्सर यहीं बैठते थे, सुबह शाम उनके पूरे मित्र उनके साथ यहाँ बैठते थे। तो ये जो आज हट इस परिवार ने बनाई है, एक छतरी थी और वो जर्जर हो गई थी, MCD की हालत आपको पता क्या है, उनके पास फंड नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूँ इस परिवार को कि सामने पूरा परिवार आपको दिख रहा है, ये इनका छोटा बेटा है, इन्हें बड़ा बच्चा है, पूरा परिवार है। इन्होंने लगभग 18 लाख की लागत से
उदयपुर से कारीगर बुलवा के, क्योंकि हमारे राधेश्याम जी बहुत ही अच्छे नेचर के, काम कोई भी हल्का नहीं करना, करना है तो बढ़िया करना है। दी जैसा कि बताया अंकल जी ने, रोशन अंकल जी ने, तो हमारे पास अंकल जी ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो हमारा भी मन था, और जब उन्होंने प्रेरणा दी रोशन अंकल जी ने, अंजू मैडम जी ने, कि भाई ये करवाना है काम, तो उनकी प्रेरणा मिली तो हमने फिर आगे काम बढ़ाया इसे। पहले सोचा था कि ठीक ठाक सा कराएंगे, लेकिन जब यहाँ के ब्लॉक के लोगों से बात हुई तो उन्होंने हमारे को बहुत हौसला दिया कि बेटा कराओ, अपने पापा की तरह कराओ काम। तो हमने उसी हिसाब से, उन्हीं के सोच से ये कुछ कराने की कोशिश करी और उनको एक समर्पण दिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए थे अपना आदेश गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा, वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। ओके, नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता शर्मा, रेकिलिंग फाउंडेशन की चेयरमैन और प्रीतमपुरा के महामंडल की मैं मंत्री हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम था राधेश्याम जी की याद में, उनके बच्चों ने यहाँ पे दो छतरियाँ बनाई हुई उनके याद में, उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा हमारा और बहुत बढ़िया रहा। नमस्कार, जैसा कि मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया, उसके अंतर्गत वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशली बेटियों के लिए एक बहुत ही सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, काफ़ी योजनाएं कर रहे हैं और बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए मोदी जी का जो संकल्प है हमें उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहिए। लग रहा है देखो कितना अच्छा हुआ है ये सब अंजू जी की कृपा से, और इनका राधेश्याम जी का जो परिवार है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी हुआ और बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग, रॉयल फैमिली सब आई थी, रॉयली प्रोग्राम हुआ हमारा। भगवान ऐसे सबको सतबुद्धि दे, ऐसे संस्कार मिले बच्चों को जो अच्छा अपने माँ बाप के लिए ऐसा काम करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।